अच्छा मेरे दोस्त, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। शर्त ये है कि सबसे पहले तो आपको हीरा चोरी करने के लिए एक दूर द्वीप पर जाना होगा। इसका वजूद किसी भी नक्शे पर मौजूद नहीं है और आम लोगों को यहाँ रहने की मनाही है। हीरा इस जगह के बीचों बीच एक गहरे अंडरग्राउंड बंकर के अंदर अच्छी तरह से सुरक्षित है। मेन एंट्रेंस के जरिए तो वहां तक पहुंचना नामुमकिन है, मगर आपकी खुशकिस्मती से इस द्वीप पर एक गुप्त जेल है। आप वहां एक कैदी बनकर पहुंच सकते हैं और फिर वहां से अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए फरार हो सकते हैं। वो सुरंग आपको बंकर के अंदर तक ले जाएगी, फिर आपको वो हीरा ढूंढना होगा। आपके पास इस पूरे काम को निपटाने के लिए बहुत ही कम वक्त होगा। हीरा चुनने के बाद द्वीप के दक्षिणी भाग में आपके लिए एक नाव इंतजार कर रही होगी। सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से कीजिए और योजना का पालन कीजिए, फिर तब कोई भी दिक्कत नहीं होगी। समझ गए? ठीक है, आइए चले। आप और बाकी कैदी द्वीप पर जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भर रहे हैं। आपके हाथों में हथकड़ी लगी है। एक पल ऐसा भी आया जब हेलीकॉप्टर हिलने लगा। पायलट ने कहा, आप गिर रहे हैं। उसने पैराशूट पहना और वो हेलीकॉप्टर से बाहर कूद गया। आप अपने चारों तरफ एक नजर डालिए और तय कीजिए कि अब आपको आगे क्या करना है, और जल्दी सोचिए। आपको अपने हाथों की हथकड़ी की चाबी केबिन के पास टंगी हुई दिखी, फिर आपने उससे अपनी हथकड़ी खोल ली। बाकी कैदियों ने आपसे गुजारिश की कि आप उन्हें भी आजाद कर दें, मगर सावधान रहिए, ये लोग खतरनाक हैं। ये तीनों कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। आप किस पर यकीन करेंगे? एक आदमी के पैर पर हेलीकॉप्टर का टैटू बना हुआ है, शायद ये अच्छा पायलट है। आपने उसकी हथकड़ियां खोल दी और उसने मान लिया कि उसने झूठ बोला है। इनमें से किसी को भी हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं आता है। अब सिर्फ एक ही पैराशूट बचा है। उस कैदी ने आपको धक्का दिया और पैराशूट हथिया लिया, फिर वो हेलीकॉप्टर से बाहर कूद गया। आपने बाकी कैदियों को भी आजाद करने का फैसला कर लिया। अब आपका अगला कदम क्या होगा? आप बिना पैराशूट के कूदेंगे, हेलीकॉप्टर को खुद ही लैंड कराने की कोशिश करेंगे? हेलीकॉप्टर का पायलट हेलीकॉप्टर को इसलिए छोड़कर कूदा था क्योंकि इसे सुरक्षित लैंड कराना नामुमकिन था। तो आप भी लैंड नहीं करा पाएंगे, आपको भी कूदना होगा। आपको याद है ना कि आप समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हैं। अब हेलीकॉप्टर नीचे गिर रहा है, तो अब ये ज्यादा ऊंचाई पर नहीं है। आप पानी में कूद गए और तैरकर तट की तरफ जाने लगे। अचानक आपको एक शार्क का फिन दिखा। शार्क तेजी से आपके आसपास मंडरा रही है। अब आप क्या करेंगे? ए, जल्द से जल्द तैरकर तट पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। बी, कहीं तैरकर नहीं जाएंगे, बस पानी में तैरेंगे। सी, डुबकी लगाकर हाथ लहराकर शार्क को डराकर भगाएंगे। आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप तैरकर दूर जाना शुरू करेंगे तो शार्क आपका पीछा करना शुरू कर देगी। इसीलिए गहरी सांस लीजिए और कोशिश कीजिए कि आपका जिस्म कोई गैर जरूरी हलचल किए बिना बस पानी में तैर रहा हो, तो शार्क जल्दी से वहां से चली जाएगी। मगर अगर उसने आप पर हमला किया तो आपको भी वापस हमला करना होगा। शार्क की आंखें और उसके गलफड़े उसके सबसे नाजुक स्पॉट्स होते हैं। खुशकिस्मती से उसने आप पर हमला नहीं किया, वो तैरकर दूसरी तरफ चली गई और आप तट पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए। द्वीप के पहरेदार जंगल से दौड़कर बाहर आ रहे हैं। एक कैदी जो आपके साथ हेलीकॉप्टर में था, वो झाड़ियों में छुपा बैठा है और उसने आपसे कहा कि आप उसके साथ छुप जाएं। आप कहां जाएंगे? पहरेदारों को मौका दीजिए कि वो आपको पकड़कर जेल में बंद कर दें। अपने मिशन को मत भूलिए। उन्होंने आपको पीली शर्ट पैंट पहनाकर जेल में डाल दिया। आपको यहाँ कई खतरनाक लोग दिखे। आप मेज पर बैठकर अपना खाना खा रहे हैं। आपके सामने तीन कैदी बैठे हैं। इनमें से कोई एक फरार होगा, मगर वो है कौन? वो आदमी किताब के साथ। उसने अपनी किताब में एक मेटल फाइल को बुकमार्क की तरह रखा है। आज वो भी फरार होने की कोशिश करेगा। जेल से बंकर तक पहुंचाने वाली अंडरग्राउंड सुरंग लॉन्ड्री रूम के ठीक नीचे बनी हुई है। आपको अपनी जेल की कोठरी से बाहर निकलकर वहां पहुंचना है। ऐसा करने के लिए आपको मेटल फाइल हासिल करनी होगी और बस उससे ताला खोलना है।
सभी कैदी टहलने के लिए जेल के आंगन में बाहर निकल आए हैं। आप उस किताब वाले आदमी का पीछा कर रहे हैं और वो अपनी किताब सीट के नीचे छुपाकर उस पर बैठ गया है। आपको उसका ध्यान भटकाकर उसकी किताब हथियानी होगी। आप उसे भटकाने के लिए बास्केटबॉल, डंबल्स या ताश में से एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या चुनेंगे? आप उसे अपने साथ डंबल्स लेकर वर्कआउट करने या ताश खेलने के लिए कहेंगे तो आप उसकी नजरों से दूर नहीं जा पाएंगे। तो बास्केटबॉल खेलिए। खेलते हुए बॉल को दूर फेंक दीजिए। वो कैदी बॉल के पीछे दौड़ेगा। उस दौरान आप वो किताब हथिया लेंगे। अब आपने किताब तो हथिया ली, मगर आपको उसके अंदर मेटल फाइल मिली ही नहीं। आपको उसमें कुछ पैसे रखे मिले। लगता है इस आदमी ने पैसे लेकर मेटल फाइल किसी और कैदी को बेच दी है। आपने पैसे जेब में रखे और आंगन में उस कैदी को ढूंढने लगे जिसने मेटल फाइल खरीदी है। वो मेटल फाइल किस कैदी के पास हो सकती है? वो आदमी अपनी शर्ट की आस्तीन पर अपनी उंगलियां दबा रहा है। जाहिर है इसने अपनी आस्तीन में मेटल फाइल छुपा रखी है। आप उसके पास पहुंचने वाले ही थे तभी एक कैदी ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। पहरेदार उनका आपसी झगड़ा रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी हंगामे के बीच किसी ने आपके सिर पर जोर से मार दिया और आप बेहोश हो गए। आंखें खुली तो आपने देखा कि आप अस्पताल के कमरे में हैं। अरे नहीं, आपके पास तो बहुत ही कम समय बचा है। दरवाजा बंद है, आपके आसपास कई सारे पहरेदार हैं। आप लॉन्ड्री रूम में कैसे पहुंच सकते हैं? कोने में मैले कपड़ों से भरी एक गाड़ी रखी है, उसमें छुपकर बैठ जाइए और जहां आपको जाना है वहां आपको ये खुद ले जाएगी। आप मैली चादरों के बीच में छुपकर बैठ गए। सफाई वाला गाड़ी के साथ आपको लेकर लॉन्ड्री रूम में पहुंच गया। उसने धुलाई करने के लिए कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने शुरू किए ही थे कि तभी उसकी नजर आप पर पड़ गई। सफाई वाला चिल्ला चिल्ला कर पहरेदारों को बुला लेगा। अब आप क्या करेंगे? आपको याद है आपके पास कुछ पैसे हैं, उनसे आप इसे घूस देकर इसका मुंह बंद कर सकते हैं। आपने एक वॉशिंग मशीन हटाई और उसके नीचे आपको एक रास्ता दिखा। आप सुरंग के अंदर घुस गए और आगे बढ़ने लगे। यहाँ बहुत ठंड है और काफी अंधेरा है। खैर, आखिरकार जब आप सुरंग से बाहर निकले तो आपने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया। यहाँ कोई खिड़की या दरवाजा नहीं है, सिर्फ ईंटों की दीवारें हैं। अब आप क्या करेंगे? आप पीछे नहीं लौट सकते। इन सारी ईंटों में से एक ईंट ऐसी है जो दीवार से थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। इसे धकेलने की कोशिश कीजिए। तरकीब काम कर गई। एक गुप्त दरवाजा खुल गया और आप उसके अंदर घुस गए। आप नीचे गए और आपने देखा कि आपके सामने एक और लोहे का दरवाजा है। आपने देखा कि पास में ही एक ऑक्सीजन टैंक और एक मास्क रखा है। आपने दरवाजा खोला और देखा कि आप दो लोहे के दरवाजों के बीच एक एयरलॉक कमरे में हैं। आपके पीछे वाला दरवाजा बंद हो जाता है। इस कमरे की सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। आप यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो आपने ऑक्सीजन मास्क लगा लिया और दूसरे लोहे का दरवाजा खुल गया और आप उसके अंदर चले गए। आपको यहाँ तीन सुरंगें दिखी। पहली सुरंग में चलती हुई कुल्हाड़ियाँ ब्लेड्स और दूसरे जाल बिछे हुए हैं। दूसरी सुरंग में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है। तीसरी सुरंग में आग की लपटें हैं। इन तीनों में से एक मायावी है। आप कौन सी सुरंग चुनेंगे? इस कमरे में बिल्कुल भी हवा मौजूद नहीं है, यानी यहाँ आग नहीं जल सकती है। ये आग एक होलोग्राम है। अब आगे बढ़ते हैं और आपने देखा कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। यहाँ इतना अंधेरा है कि आपको दिख ही नहीं रहा है कि कमरे के अंदर क्या है। आपको लगता है कि वो हीरा यही है। रुकिए, ये हीरा क्या है? आपको इस मिशन पर किसने भेजा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? तभी किसी अनजानी फोर्स ने आपको आगे धकेल दिया और आप ब्लैक होल जैसे गड्ढे में गिर पड़े। आपने खुद को बाहरी अंतरिक्ष की दुनिया में पाया। यहाँ बेहद ठंड है और बहुत डर भी लग रहा है। आप खुद को अनंत ब्रह्मांड में बेहद छोटा महसूस कर रहे हैं। अचानक आपको कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। क्या ये कोई तारा है या एस्ट्रॉइड है?
एक चमकदार रोशनी ने आपके आसपास के घने काले अंतरिक्ष को जगमगा दिया। तभी एक भारी भरकम आवाज में बहुत अच्छे सुनाई दिया। आपने हाथ बढ़ाकर रोशनी को छुआ। इस पल आप बहुत तेजी से अंतरिक्ष और समय में उल्टे उड़ने लगे। आप बड़ी तेजी से गिर रहे हैं और आप एक गंदे से कमरे में आकर गिर पड़े। घबराए हुए आप उठे और आपने दरवाजा खोला। शुक्र है, सूरज की रोशनी दिख गई। आखिरकार आप बंकर से बाहर निकल ही आए और आपने खुद को द्वीप पर पाया। यहाँ आपके सामने दो रास्ते हैं, एक दक्षिण की तरफ ले जाता है और दूसरा उत्तर की तरफ। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आपको याद है ना कि दक्षिण की तरफ आपके लिए एक नाव खड़ी इंतजार कर रही है। आप जंगल से गुजर रहे हैं और आपको एक पुरानी गाड़ी खड़ी हुई मिली। आपने उसका इंजन चालू किया और उसके कैबिनेट में से हेडफोन के साथ एक MP3 प्लेयर निकाल लिया। आप गाने सुनते हुए मजे से सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। अचानक आपको एहसास हुआ कि गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है। आपके सामने तीन रास्ते हैं। पहली सड़क के आखिर में एक ईंट की दीवार है, दूसरी सड़क एक दलदल की तरफ ले जा रही है और तीसरी सड़क एक ऊंची पहाड़ी पर ले जा रही है। आप कौन सी सड़क चुनेंगे? अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा है। अपना पैर एक्सेलरेटर से हटा लीजिए और गाड़ी को चलाकर पहाड़ी पर चढ़ाइए। इससे गाड़ी की रफ्तार कम होने लगेगी और जल्द ही आप गाड़ी से बाहर निकल सकेंगे। आप जंगल से गुजरकर बाहर निकल आए और आपने देखा कि आप तट पर पहुंच गए हैं। रेत पर एक पुरानी मोटर बोट खड़ी है। आपने इसे पानी में धकेला, इसका इंजन चालू किया और इसमें बैठ गए। कुछ देर सफर करने के बाद आपको कुछ चट्टानें दिखीं, जिनके आसपास टूटे फूटे जहाजों के मलबे पड़े हैं। आपने बोट की रफ्तार कम कर दी और आपको उन चट्टानों में गाने की मीठी आवाज सुनाई दी। आप उस आवाज से आकर्षित होकर अपनी बोट उन चट्टानों की तरफ ही ले जाने लगे, जिनसे टकराकर आपकी बोट भी चकनाचूर हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे? आपके पास वो MP3 प्लेयर है जो आपको गाड़ी में मिला था। आपने हेडफोन लगा लिया, बढ़िया सा गाना बजाकर सुनने लगे और सफर में आगे बढ़ने लगे। आप सूर्यास्त की ओर बढ़ रहे हैं और नए एडवेंचरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अब आइए हम आपके पॉइंट्स चेक करें। अगर आपको 0 से 3 पॉइंट्स मिले हैं तो ये बात पक्की है कि आपको खतरनाक एडवेंचर्स पर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि आप पहले इम्तिहानों को पास कर पाएं, मगर आप सारे इम्तिहान पास नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 4 से 7 पॉइंट्स मिले हैं तो ये बेहतर है, मगर अभी भी आप में आत्मविश्वास की कमी है। किसी बेहद मुश्किल परिस्थिति में आप घबरा सकते हैं और घबराहट किसी भी एडवेंचर की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपको 8 से 11 पॉइंट्स मिले हैं तो आप खतरों से नहीं घबराते हैं, आप हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। मगर आपको बारीकियों पर ज्यादा ध्यान देना होगा और अपने लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स पर भी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आपको 12 से 14 पॉइंट्स मिले हैं तो आप एक असली एडवेंचरर हैं। आप थकाने वाली चुनौतियों को तो पार करते ही हैं, पर साथ ही आप उन मुश्किल परिस्थितियों से भी निकल जाते हैं जिनका अंदाजा तक नहीं लगता और जिनमें दूसरे लोग हिम्मत हार जाते हैं। भाई वाह,